फातिमा मदर, होप सो यू ऑल आर गुड। सो दिस इज़ मी एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको नेक काम करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। सो अभी जो है मेरे बाबा लाए हैं रमज़ान की ग्रोसरी, वो आप लोगों से बताती हूँ। और फिर समोसों के कवर्स वगैरह बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, बिकॉज कल जो है पहला रोज़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी मैं, सहरी इफ्तारी। सो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को अलविदा करना चाह रही हूँ जो 9 बजे जा रहे हैं, मतलब शैतान के साथ। शैतान उनको लेकर जा रहा है 1 महीने के लिए। आई मिस यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस फाइनली हमने इफ्तारी के लिए समोसे बना लिए हैं, उसका मटेरियल भी ये देखिए, समोसे का मटेरियल और समोसे बन चुके हैं। सो अभी हमारा प्लान बनाया है कि हम मैक्रोनी बनाएंगे, तो हम लोग को दिखाते हैं और फिर वो खाते हैं। मैक्रोनी का सामान बना रही हैं, मतलब मैक्रोनी की सारी सब्जी काट रही हैं और चलते हैं कि मैं भाई के घर। व्हाट आर यू डूइंग? नहीं व्हाट गाइस, अभी हम लोग बना रहे हैं मैक्रोनी और यहाँ पर आयशा कर रही है बॉयल और सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई मैक्रोनी। तो मैक्रोनी खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैक्रोनी बन चुकी है और अभी हम इसे खाते हैं। गाइस फाइनली मैक्रोनी बनकर आ चुकी है और ये बहुत यम्मी लग रही है। सो अभी हम ये खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। यार मुझे क्यों लग रहा है कि मतलब ऐसा ही मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगी, मतलब अभी मैं मैक्रोनी खा रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ और खाया था। ये मुझे लगता है मैं सही में कुछ खा ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मम्मा ने कहा जब तक पूरी रोटी नहीं खाओगी तो मैं रोज़ा नहीं रख पाएंगे, सीधी डायरेक्ट। सो इंशाल्लाह अगर रोटी खा पाई तो ऑफकोर्स खाऊंगी। तो शादी करते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो 11 बजी है। गाइस मैं जा रही हूँ जी कूड़ा लगाने, तो चलो चलते हैं भाई। अभी जो है 1 बज रही है, 1 बजे में भी टाइम है, तो 3-4 बजे तक सहरी होगी, 3-4 बजे तक तो सहरी होगी ऑफकोर्स। तो करते हैं और फिर जाना है हमने सुबह स्कूल। सबसे बड़ा मसला दुनिया का कि हमें जाना है सुबह स्कूल। तो अभी चलते हैं अंदर, और अंदर के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी मतलब सब सोने की कोशिश करें लेकिन मैं नहीं सोऊंगी इंशाल्लाह। फाइनली फर्स्ट सहरी डन हो चुकी है, मैंने सहरी वगैरह कर ली है और अभी हम कर रहे हैं नमाज का वेट। अजाने जैसे होंगी तो हम नमाज पढ़ते हैं और फिर सुबह उठना भी है जल्दी। सो चलो चलते। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ा है ऑफकोर्स, जो मैंने दोपहर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम जा रहे हैं बैट वगैरह बॉल वगैरह और रैकेट शटल लेने, बिकॉज सहरी के वक्त हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मतलब बोलिंग सा होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि उनको कुछ लेने चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने ले लिया है तो अब चलते घर। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है। इट्स 5:05 है और 6:33 पर रोज़ा खुलना है। तो चलते हैं और देखते हैं कि मम्मा ने इफ्तारी के लिए क्या क्या बनाया है। चलते हैं। तो मुझे पता लगा है कि हमारे लिए बनी है फ्रूट चाट और पकोड़ों का सामान बना है, और अभी मम्मा तल रही हैं समोसे, तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर फाइनली समोसे तले जा रहे हैं और जल्दी जल्दी बनेंगे, तो अभी बज रही है 6:33 प्लस। सो गाइस फाइनली इफ्तारी बन चुकी है और अभी समोसे पकौड़े आने हैं, तो जल्दी जल्दी से इफ्तारी करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस इफ्तारी कर ली है मैंने, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लोग पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।